यूपी के जालौन में लगातार हो रही चोरी की वारदातें, फिर एक घर से लाखों के जेवरात व नकदी ले उड़े चोर, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरौदा खुर्द का है, जहां पेट्रोल पंप संचालक रिटायर्ड अध्यापक शत्रुघ्न सिंह के घर से बीती रात अज्ञात चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए तथा करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। बताते चले कि एक दिन पहले ही जनपद के करीब आधा दर्जन स्थानों पर ताबड़तोड़ चोरियां तथा एक चौकीदार की गला रेत कर हत्या कर शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। और आज फिर से एक घर में लाखों की चोरी से कहीं ना कहीं पुलिस की काबिलियत और सक्रियता पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना यह है कि किस तरह से पुलिस इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा उनका अनावरण करने में कोई सफलता प्राप्त करती है, या फिर यूं ही चोरों की अगली चुनौती का इंतजार करती है। मेरे ये बड़े भाई हैं जहाँ पे आज चोरी हुई है, तो और 8,85,000 रुपए, साथ में सोने का कुछ सामान था। कैश मिला के और आप कीमती सामान मिला के लगभग कितने का आपको नुकसान हुआ? लगभग मान के चलिए 10 लाख का। 10 लाख तो मौके पे किसी आपने प्रशासन को सूचना दी? जैसे ही सुबह जानकारी हुई तो तुरंत ही सबसे पहले तो डायल 100 को बताया गया, डायल 100 के बाद SO साहब को सूचना दी गई और मौके पे पुलिस आई है। महोदय, अभी कल रात में सुना है कि बगल के गांव शिमरिया में भी 3 चोरियां हुई हैं और आज आपके यहाँ इतनी बड़ी चोरी हुई, कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगाती है? निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं और हमारे पड़ोसी गांव जो 1 किलोमीटर दूर है वहाँ पर इस तरीका की चोरियाँ हुई हैं और ये लगातार चोरियाँ बढ़ रही हैं। कोच थाना क्षेत्र में एक बरौदा खुर्द गांव है, वहां पर एक शत्रुघ्न सिंह करीब 85 वर्ष के वृद्ध हैं, उन्होंने सूचना दिया कि उनके घर में चोरी हो गई है। मौके पर थाना प्रभारी कोच और क्षेत्राधिकारी कोच गए थे, तहरीर उनकी प्राप्त हो गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अपनी स्वाट सर्विलांस की भी टीम उस पर लगाई गई है, शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। सर पिछले दिन भी सर कोच क्षेत्र के गांव में 3 घरों में चोरी हुई थी, उसका भी हाँ उसमें भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और सभी का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा, उस पर बड़े गंभीरता से टीमों को लगाया गया है।